And I love it when you know he was asked that what are you doing and he's like I'm doing my best. And I worked with Rajpal Ji, uh, I worked with Shishu Kapoor Ji, Rajendra Ji, and I was one of the most prominent character. With I worked with Khan, with kiya hai. फिर वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज लेखा प्रजापति रणवीर सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि <laughs> मैं क्यों उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि कैसा है कि पीपल 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 क्रिटिसाइज और इवन हु हु लव लव हिम हिम वो जो द एबल टू वेयर ही ठीक है तो अगर एक रणवीर सिंह है वो जो कपड़े पहनते हैं और वही कपड़े आप किसी और को पहना दो तो जोकर लगते है लेकिन रणवीर सिंह एक स्टाइलिश आदमी स्टाइल आईकॉन माने जाते हैं ठीक है तो रणवीर सिंह जब वो कपड़े पहनते तो क्या अलग करते जिससे उन उनपे वो चीज मुझे याद है आयुष्मान खुराना जी ने एक बार अपना स्टोरी पर डाला था इफ यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन लर्न फ्रॉम एनी कॉन्टर कैलकाटा का जो केस हुआ है माई हार्ट ब्रेक्स बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स इट्स लाइक यू नो इफ अस कम एंड स्टैंड नेक्स्ट टू मी आई विल नॉट फील कम्फर्टेबल सो so, मैं जो अपने ऊपर लेती थी, थी ना अरे यार मुझे लोग क्यों छोड़ कर चले जाते हैं मुझसे कोई क्यों नहीं बात करता दो बार बात करता है तीसरी बार नहीं बात करता है क्या है मतलब यू नो वी आर कंडीशन अपने में ही गलतियाँ ढूंढने के लिए आपको मोटी भैंस बोला जा रहा है इमेजन विद दिस बॉडी शेप और द kind ऑफ वेट आई हैव today I आई कैन वॉक आई कैन क्लाइंब आई हैव डन my best बेस्ट इज दैट आई हैव क्लाइंब floors फ्लोर्स इन वन गो

जिनो जिनके लाइफ में या जर्नी में ट्रबल रहा हो एंड हाउ देव कम आउट ऑफ इट सो कीपिंग दैट इन माइंड आज के एपिसोड की हमारी गेस्ट है शी इज़ निधि गुंजल शी इज़ अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एंड उनकी जर्नी का एक uh, आयरॉनिकल पार्ट ये है कि शी इज़ बैटल वेट इश्यूज सिंस चाइल्ड हुड और uh, आयरॉनिकल चीज़ ये है कि नाउ शी इज़ एक्चुअली हेल्पिंग पीपल फील गुड लुक गुड तो Uh, इनके जर्नी में कैसा है कि इन्होंने बॉडी शेमिंग तो फेस की है फ्रॉम चाइल्डहुड अप टिल नाउ और काफ़ी शॉकिंग कुछ इंसिडेंट्स रहे ऑफ मोलेस्टेशन स्टेशन समन क्लोज टू द फैमिली हैज़ डन समथिंग लाइक दैट तो इनकी जर्नी के बारे में हम आज जानेंगे एंड हाउ शी केम इन टू दिस प्रोफेशन ऑफ सेलिब्रिटी स्टाइलिंग सो बाय इट अगर आप देखें तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जिनको पूरी ज़िंदगी लुक्स uh, के लिए लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया या कॉमेंट्स पास की आज शी इज़ एक्चुअली हेल्पिंग पीपल टू लुक बेटर फील बेटर सो वॉच दिस एपिसोड तो आपका जो ब्रांड है निजी विथ निधि राइट मुझे नाम तो बहुत अच्छा लगा फर्स्ट आई शुड अप्रिशिएट अप्रीशिएट तो अभी मैंने आपसे जितनी बात की उसमें मुझे समझ में आया कि बहुत सारा आपके अंदर एक चाइल्डहुड से लेके अब तक का ट्रॉमा बोल लीजिए या पेन बोल लीजिए है तो आज आप यहाँ पे है तो वो चीज़ को मुझे कनेक्ट इसके साथ करना है तो इन दिस पॉडकास्ट आप

But yes, uh, the childhood trauma, the healing that we're talking about, it's going to be work in progress all your life. You can't say, "Oh, I'm a healed person." No, you acknowledge it, and you just take it from there. Hmm. It's like you make a best friend with your worst enemy. <laughs> हाँ नहीं आप हंस रही है लेकिन आपकी हंसी के पीछे भी कुछ बातें हैं जो आपने मुझे बताई है तो मुझे आई वॉन्ट टैपन टू दैट कि आपने जो फर्स्टली मैं पहले आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बॉडी को लेके बॉडी शेमिंग यू है फेस्ट इन ए चाइल्ड हुड और ये बहुत सीरियस इश्यू है ये आज भी मतलब दुनिया जमाना बदल रहे रहे जाता है लेकिन हाँ ये हमेशा हाँ। रहेगा तो ये... इसके लिए दूसरे के ट्रॉमास और आपके ट्रॉमास सेम नहीं है आपके साथ जो हुआ है वो कुछ लोगों के साथ होता है सबके साथ नहीं होता तो मुझे उस पर बताइए आई वु की एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे इंसिडेंट्स अलग अलग होंगे लेकिन जब आप डायसेक करते हो जब आप लेयरिंग पे लेयरिंग जाते हो तो इमोशन सेम होते हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेड एवरीबडी वॉन्ट्स एन अनफिल्टर थिंग बट आई यू रेडी टू लिसन टू दैट बिकॉज हमारे उसमें बोला जाता है आप सच बोलिए आप सच बोलिए आप सच बोलिए यू नो सच का सामना कीजिए बट जब कोई बोलता है सुनने वाली पार्टी रेडी है कि नहीं है उस पर भी तो डिपेंड करता है hmm. तो सच सुनने में सच बोलने से ज़्यादा करें चाहिए आई बिलीव यू आई बिलीव यू बिकॉज हम डिनाइल में रहते हैं हम नाना बोलते रहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है ये वैसा नहीं ये मैंने नहीं किया लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्नॉलेज करके उससे इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ टू फर्स्ट एक्सेप्ट क्योंकि आपके अंदर जो एंगर आपके अंदर जो गुस्सा आपके अंदर जो जितने भी नेगेटिव इमोशंस आप ले सकते हैं या आप उसके बारे में बात कर सकते हैं दैट ऑल कम्स फ्राम हम्म आपको गुस्सा क्यों आता है या आप झूठ क्यों बोलते हैं या आप या जो भी आप नेगेटिव इमोशन फील कर रहे हैं वो क्यों आ रहा है ज्वेलसी क्यों हो रही है वो एक्सेप्टेंस लेवल आपका हाई नहीं है बिकॉज आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप जब ही जैसे बचपन से आपने बताया कि यू आर ऑन साइड तो आपको ये चीज का बॉडी शेमिंग का सामना तभी I से करना पड़ रहा है तो जब कोई अप, <laughs> आ, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो या लुक्स को लेके कमेंट बहुत ज्यादा नहीं मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ सबके साथ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं खुद के लुक्स को लेके किसी पे कमेंट हुआ है कहीं नहीं होती है इट्स ऑलवेज टू एन एक्सटेंट और वो इतने आप प्यार से बोलते हो ना स्पेशली hmm. जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं जो आपका इनर सर्कल होता है वो बहुत मैटर करता है क्योंकि आपका वी हैड स्पोकन अबाउट दिस वेयर इंटेंशन सबके अच्छे होते हैं लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो बहुत मैटर करता है आपके इंटेंशन तो अच्छे हैं आप चाहते हो कि यू you नो know, somebody लूज वेट और somebody बिकम मैं हमेशा बोलती हूँ पर्पस क्या है मुझे गुस्सा very... बहुत आता था मैं चीजें तोड़ के मतलब मैं लिटरली पटक के तोड़ देती थी मुझे इतना गुस्सा आता था आई कुडन कम्युनिकेटेड को लेकर आता था आपका वेट ज्यादा लोग कॉमेंट कर रहे हो मेरा गुस्सा हमेशा ना हिपोक्रेसी पे था कैसे समझाइए क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप ना हेल्दी खाना खाओ आप वेट लूज करो यू क्रिएटिंग दैट फॉर मी आई यू क्रिएटिंग दैट हेल्थी एनवायरमेंट फॉर मी जिन जिन लोगों ने मुझे बोला कि आप वेट लूज करो कोई मेरे आके दरवाजे पे आके खड़ा नहीं हुआ वेरिंग अ स्पोर्ट शूज गेट ऑफ वीयर गोइंग आउट वी ऑल नीड पुश वी ऑल नीड सपोर्ट किसी को मजा नहीं आता कि आपकी बॉडी शेमिंग हो रही है या आपको यू नो कॉमेंट पास हो रहे हैं या आपको बुरा बोला जा रहा है आपको भद्दा बोला जा रहा है आपको मोटी भैंस बोला जा रहा है अरे तुम तो भैंस जैसी दिख रही हो आई रिमेंबर एंड दिस इज नॉट वट नीड्स एवरीवेयर आई रिमेंबर एट वन ओकेजन मी अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन वो अ रेड ड्रेस एंड वॉकड इन एंड समबडी टोल्ड हर अरे रेड बुल आ गई आई एम अशेम्ड ऑफ माइ सेल्फ दैट आई लवड ऑन दैट कॉमेंट दिस इज एट ईयर्स अगो बिकॉज तब मुझे नहीं पता था अरे हाँ मजाक है ना क्यों

male counterpart or any male clients of mine or we're just having a conversation about this it breaks my heart because body shaming is not only about a body or a weight your hair your eyesight your hearing complexion. your uh, complexion your personal color which is like you know technically i would say a personal color this is a universal thing you're born with it mm. बट हमें उस चीज को बोल बोल के बोल बोल के इतना लाइक दिस इज सो सैड स्पेशली अरे तुम्हारी शादी नहीं होगी माय फेवरेट टॉपिक बिकॉज नहीं होगी तो नहीं होगी ना बट हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपका पर्पस ही गलत है लाइक वन पीपल टॉक टू मी अबाउट वेट लॉस एवरी टाइम लाइक यू से आपका गुस्सा कहाँ से आता है आप वेट लूज करो नहीं तो आपकी शादी नहीं होगी तो शादी अगर होगी फिर कभी कोई वेट के बारे में कॉमेंट नहीं करेगा अगर होगा तो. मैं वही तो बोल रही हूँ ना शादी के बाद वेट बढ़ेगा तो छोड़ दोगे so, तो दो आप ये नहीं बोल रहे हो कि आप मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप जो चीज बोल रहे हो उसका पर्पस क्या है

Because your purpose badal hai. When you do things for yourself, it's a different high altogether. Like I, I feel so much proud, and I feel such a pleasure when you know strangers walk up to me and tell me that you know, yaar, I love the way you carry yourself. I love the way you're smiling. You've got such a beautiful smile." That's when I feel that oh, somebody is looking at me beyond my body, and that's the best thing to happen. एज ए स्टाइलिस्ट आप ये कैरी योर सेल्फ वाले चीज को थोड़ा डाइसेक कीजिए क्या होता है मतलब सेम कपड़े कोई एक इंसान पहन रहा है और इज नॉट कैरिंग इट वेल और दूसरा पहनता है तो इज कैरिंग well. मतलब कैसे देख के शायद हमें पता चलता है लेकिन क्या होता है uh, We had this where आपको याद होगा तो मैंने कहा कि हमें जब सुकून चाहिए होता है हम पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ ग्रीनरी है लेकिन अगर हमें अपना घर सा है तो हम फूल लेके आते हैं क्योंकि hmm. वो कलरफुल है थिंग बट like दोनों चीजें सुकून दे रही है बट लाइफ लॉन्ग क्या है वो सवाल करना बहुत जरूरी है कि आपको क्या सुकून दे रहा है अभी अगर मैं स्टाइलिंग की बात करूं तो वेरी uh... आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ तो थोड़ा क्लियर होगा ऑडियंस के लिए okay. भी रणवीर सिंह का एग्जाम्पल लेते क्योंकि <laughs> <laughs> मैं क्यों उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ <laughs> क्योंकि कैसा है कि आई द पीपल क्रिटिसाइज और इवन पीपल हिम वो जो वेयर हुर क्लोथ्स वॉट ही वेयर ठीक है तो अगर रणवीर सिंह है वो जो कपड़े पहनते हैं और वही कपड़े आप किसी और को पहना दो तो जोकर लगते हैं ठीक है लेकिन रणवीर सिंह एक स्टाइलिश आदमी स्टाइल आइकॉन माने जाते हैं ठीक है तो रणवीर सिंह जब वो कपड़े पहनते तो क्या अलग करते हैं जिससे उन उनपे वो चीज जा, जाती है और या कई बार लोग ये बोलते है कि आपने अगर रेड कलर की पैंट कोई आदमी को दिखाई बोलेगा अरे मैं गोविंदा थोड़ी हूँ तो गोविंदा ऐसा क्या करते थे कि गोविंदा रेड कलर पहन के अप्रिशिएट होते थे या रणवीर सिंह वो कपड़े पहन के अप्रिशिएट होते वो क्या करते हैं ऐसा सी आपने ना बहुत ही तीन मेरे फेवरेट टॉपिक एक ही सवाल में कर दिया पहला की जो कॉमेडी होती है ना गोविंदा जी हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज द कॉमिक एक्टर ही स्टार्टेड विद द सीरियस रोल अब तब देखोगे तो वो वाइट पजामा कुर्ता वो जो उनकी पुरानी एटीज की मूवी है ही इज़ वेरी यू नो न्यूट्रली ड्रेस्ड ब्लैक वाइट ग्रे पजामा कुर्ता गमछा दिस हैज़ बीन हिज स्टाइल द काइंड ऑफ आउटफिट्स ही वुड वेयर इन हिज मूवीज देन केम नाइंटीज वेट यू वॉज लाइक अ कलर अगर आप देखो तो आप सिर्फ गोविंदा जी को पकड़ रहे हो लेकिन मेरे लिए जो मेरे गुरु रहे हैं मनीष मल्होत्रा जी नाइन्टीज का जो दौर है वो कलर्स लेकर आए हैं उसमें hmm. मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैं कोई भी यश चोपड़ा मूवी मनीष मल्होत्रा मूवी या उर्मिला जी की या करिश्मा जी की मूवी उठाकर देखूंगी मुझे सिर्फ कलर्स ही कलर्स मिलेंगे दैट वॉज एन एरा वे स्टाइलिंग एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सप्लोरेशन हैपन रणवीर सिंह इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट द रीजन आई लाव लाइक दिस इज बिकॉज आई हैव बीन कॉल्ड एज लेडी रणवीर सिंह बाई अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड शी इज़ एन एक्टर एंड वेन एवर आई वुड मीट हर ना शी इज़ लाइक यू नो वर्ट तुम तो कुछ भी कैरी कर लेती हो कौन है ये बताइए शी इज़ एन एक्टर हर नेम इज़ लाइक वी कॉल हर डोनी प्यार से डोना बट निम इज विजेता भारद्वाज एंड बचपन से ना मैं उनकी डोल रही हूँ मुझे तैयार करना मेरा मेकअप करना मेरी स्टाइलिंग करना हाँ वो मुझे बचपन से आई बीन हर डॉल एंड लाइक हर फर्स्ट चाइल्ड में भी तो हम जब भी उनके यहाँ मिलते थे बचपन में तो वो लेके मुझे बैठ जाती थी मेकअप करती थी मेरे बाल करती थी मुझे अपने आउटफिट्स और नो आई कॉल इट डॉल लाइक शी वुड लुक आउट देट दैट आई वाज हर पर्सनल डॉल एंड शी वुड ड्रेस मी अप इन हर क्लोज शील डू माई फोटो शूट and that that was cute that's like very this thing और आज जब वो मुझे बोलती है ना कि please मुझे बता दे कि मैं कैसे पहनूँ या इसको कैसे style करूँ तो मेरे लिए ना like your institution is asking you to you know dress you up correct like verification भी हो गया कि Ver doing... I would not use that why different. not no it's a sukoon

आई डोंट नीड एनी एलिमेंट और मुझे पसंद है वो मैं पहनूंगा विदाउट विदाउटरिंग कोई क्या बोल रहा रहा है है किसी को आपकी क्या लग एनर्जी होती है ना जब आप कुछ पहनते हो आपकी बॉडी आपका जो आपकी जो इनर गट फीलिंग जिसको बोलते हैं वो आपको पहले ही सब कुछ बता देती है इट इज जस्ट दैट यू डोंट लिसन टू इट आई हैव स्टार्ट लिसनिंग टू माई बॉडी i have started accepting my body i thank my body every day imagine with this body shape or the kind of weight i have today i can walk i can climb i have done trekking my best is that i have climbed 50 floors in one go so when my body is not stopping me why should i stop my body from anything so it's a change of perspective or acha or bura mere dictionary my dictionary. जो आपके मन को गया वो आपको अच्छा हो गया जो आपके uh, और वो हो गया तो वो अच्छा हो गया बट hmm. अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ तो वो बुरा हो गया सो इट्स ऑल अ गट फीलिंग आप कुछ गलत काम कर रहे होगे ना आप किसी को झूठ बोल रहे होगे आप चोरी कर रहे होगे या आप मर्डर कर रहे होगे आई एम टेलिंग यू दैट यू नो इट एन साइड

like just there. Hmm. saying the right thing at the right time is an art hmm. but nobody wants to learn that everyone hmm. expect it hmm. but nobody from wants others, to, but nobody learn want to do it themselves. and give that of course yeah I agree so i am <laughs> a suicide survivor a lot of people come to me they they will just randomly start talking to me auto friends family <laughs>

आई कैन वॉच इट एंड पीपल फील सो कम्फर्टेबल तो वो तो और लेकिन वो वैसा नहीं था वट पीपल आर लुकिंग एट मी लाइक दैट इज एन अपग्रेडेड वर्जन एज अ प्रो मैक्स वर्जन राइट नाउ लेकिन जब वो आईफोन लॉन्च हुआ था ना hmm. उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है नो बड़ी नोज दैट एंड नो बड़ी वॉन्ट्स टू नो इट नो वीट टू नो इट दैट्स दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू बट येस इट वॉज लाइक कमिंग बैक टू दैट कि यार मुझसे कोई प्यार नहीं करता Hmm. मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता मुझे जब जरूरत है तो कोई नहीं है तो आपको इससे डेट करने में या रिलेशनशिप्स में जाने में दिक्कत होती है बहुत आई एज अ चाइल्ड आई अ वेरी चाइल्ड आई आई हैड एंगर इशूज आई हैड सो मेनी इशूज एंड टू टॉक अबाउट इट टू सिट हियर एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट विदाउट गंगा जमुना बहना एंड आई हैव कम अ अलॉन्ग वे

वो बहुत ही इंटर रिलेटेड है बिकॉज अगर आप कुछ बात करना चाह रहे हो आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट दी अदर पर्सन इज़ नॉट लिसनिंग द अदर पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग या फिर आ, वो है ही नहीं कि भाई यू नो हाउ यू सेड की अप्रोच अलग अलग होती है mm -hmm. क्योंकि एक पाँच साल के या सात साल के बच्चे की जो सोच है और एक ट्वेंटी फाइव ईयर या ट्वेंटी सेवन ईयर की जो सोच है वो कभी मैच नहीं करेगी आई विल विल गिव गिव यू अ वेरी वेरी आई एन इज़ क्लोज टू हार्ट आपने कभी पार्क में बैठ के ना पेरेंट्स को देखिएगा जो एक साल का बच्चा होता है ना जो जो नया नया चलना सीखता है अब पेरेंट्स विल ऑलवेज ड्रैग द चाइल्ड अ पेरेंट विल नेवर वॉक अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड स्पेस They will make sure 90% of the time. If you in a park me, mall me, and from that I learned that people just want us to pick up space according to them. But nobody wants to come down to our level or understand where we come from. And that is the day when I realized that at the end of the day, no matter what relationship you share with anyone. अंत में सब इंसान है और वो बहुत करता बॉडी शेमिंग बैड थिंग्स डिफिकल्ट फेस लेकिन उससे भी ज्यादा जो यू नो विच वॉज शॉकिंग फॉर मी टू हर एज वेल वॉज दैट मोलेस्टेशन बिट दैट यू स्पोक अबाउट तो आप Uh, अगर कंफर्टेबल है बात करने के लिए क्योंकि क्या है कि जो देख रहे हैं बहुत लोगों के साथ ये स्पेशली uh, हमारी कंट्री में जहाँ इस चीज़ की बात तो खुल के कोई करता नहीं है करने देते नहीं है तो उनको इट कैन हेल्प तो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है मुझे ये पूछना तो बनता है कि सेंसिटिविटी <laughs> कहते हैं ना कि रह नहीं गई अभी आप uh, आप जितना कंफर्टेबल है उतना ही बताइएगा नहीं नहीं कंफर्टेबल की तो खैर क्या बात हो जाती है ना कि इट्स अबाउट अ गुड टच एंड अ बैड टच एंड हमारे टाइम पे ये बात नहीं होती थी ये जो था वो टॉपिक बहुत ही यू नो अंडर द कापट वाला टॉपिक है बट पीपुलट कि हम जितना कापट के अंदर कचरा डालेंगे ना जब भी वो उठेगा स्मेल ही आएगी बट हम वो अंडर द कोई बात नहीं ऐसे तो होता रहता है हमारे साथ भी हुआ है इसमें कौन सी बड़ी बात है आई रिमेंबर आई वॉज इन कॉलेज आई यूज टू स्टडी इन शिमला फॉर फाइव ईयर्स आई हैव स्टेड इन शिमला वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ बट इन शिमला वैपन डिस वॉज इन दर टू थाउजेंड एंड टू इट्स लाइक गुड वॉट ट्वेंटी डोंट जज मी बाई माई एज नाउ <laughs> <laughs> so, yeah. Uh, uh, uh. So, I was walking. It was a very lonely way, and we had to walk for like. Uh, पहाड़ों जैसी जगह पे ना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है वो बहुत uh, दूर होता है लाइक like, आपको बहुत चलना पड़ता है एंड आई यूज टू वॉक फॉर लाइक गुड वन वन एंड हाफ आवर एवरी डे एंड वंस आई वाज जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स माय कॉलेज मैं जा रही थी और एक कैब ड्राइवर आके रुक गया वो तो, तो नॉर्मल है रोड है कैब चलती रहती हैं तो आई वॉज लाइक कुछ काम होगा खराब हो गया होगा कुछ बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ ऑलवेज गिविंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि आप बुरे से क्यों शुरू करो शुरू करो एंड देन दिस दिस मैन ही गेट्स डाउन एंड ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड मी तो लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड द कैब इज दिस साइड वी कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन तो वो वहाँ रुक गया एंड आई वॉज लाइक कुछ खराब हो गया होगा मैं अपने रास्ते चल रही हूँ जैसे है he gets down and he flashes his penis towards me what yes imagine a girl who is like so protected from the family or away from the family and bhare jungal mein aur koi nahi hai wahan pe i froze You know, uh, इस incident में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी को ये बात बताओगे ना तो वो बोलेंगे अरे तुम्हें चप्पल उठा के मारना चाहिए था अरे तुम्हें इसको कॉल करना चाहिए था अरे समझ में नहीं आता कि तब क्या होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉप गिविंग ओपिनियन इफ एनीवन हु शेयरिंग यू लिसन स्टॉप गिविंग ओपिनियन किसी को ओपिनियन नहीं चाहिए किसी को सवाल नहीं चाहिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी जस्ट वॉन्ट्स टू जस्ट गिव अर जस्ट होल्ड हैंड और जस्ट लिस्न and that's the best that you can give or do for anyone because imagine ya, i mean maybe i'm a virgin at that point of time i have no or sex education at that point of time was not a thing hmm. it hmm. was actually not a thing and a man just walking half naked in front of me flashing his penis was like the biggest shock of my life so it, it's very important we

एंड uh, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा बेटा क्या हुआ तो मैंने कहा मैम ऐसे हुआ आई वुड वॉन्ट एवरी वुमन टू रियक्ट देशेड शी टुक अ कार शी मेड मे सिट इन दैट कार उन्होंने बोला बेटा बैठो और उन्होंने वो रूट नहीं लिया एक्सपीरियंस बोलता है ना क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी शायद इस चीज़ से गुजर चुके हैं या सुना होगा कुछ ना कुछ शी डेड नॉट टेक द सेम रूट जिससे मैं जा रही थी शिटुक दिकॉज माउंटेन्स आर ऑलवेज राउंड ज कम टू द सेम शी टूक दी ऑपोजिट रूट एंड शी कॉट होल्ड ऑफ दैट ड्राइवर देर और उन्होंने उसको वहीं पे पकड़ के जो धरा है ना लिटरली जूते उठा के मारे उन्होंने लाइक आई वुड डू फॉर एनी यंग गोल ना इफ आई गेट टू नो आई वुड नॉट बी नहीं बेटा ऐसे तो होता रहता है नो दैट इज दर्स थिंग टू डू दिन टू लिव इन दिन इज दर्स्ट थिंग टू डू एंड शी टुक केयर ऑफ द थिंग्स शी कॉल द कॉप्स एन बट मुझे आज समझ आता है कि वो कितना ज़रूरी था टू स्टैंड बाई टू फाइट बट एज अ पर्सन जिसके ऊपर वो बीत रही है दैट दैट्स नॉट आई फील दैट पीपल से वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन एम्पावरमेंट फेमेनिजम इन दिस आई टेल यू आई मैन आई एम गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड आई टेक दिस ऑपरचुनिटी टू से वी नीड टू डू मैन एम्पावरमेंट

कुछ तो और होगा आपका शी वॉक यू नो आई बिन सींग यू होल इवनिंग एंड आई लव द वे यू स्माइल यू बिन जस्ट स्माइलिंग कैन आई हग यू एंड आई लव द फैक्ट शी टुक द कंसेंट फ्रॉम मी क्योंकि वो कंसेंट वर्ड जो है ना वो सिर्फ सेक्शुअली नहीं यूज होता है okay. अगर आपको किसी की फोटो लेनी है आई रिमेंबर आई मेट ऑरी Or I meet any celebrity or anybody for that matter. I ask them, "Can I take your two minutes? Can I take your picture? Can I have a picture with you?" This is so basic. Of course, it is. We don't do that. Yeah, not a lot of people do that. Yeah, and yeah, when yeah. I do it, people look at me and they're like, is "Who is doing this?"

मुँह नहीं फिरते हम hmm. बात नहीं घुमाते वी एक्नॉलेज दैट एंड वी टॉक अबाउट इट विच इज सो इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी थिंग एंड एवरी थिंग स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड हुड आई स्टडी चाइल्ड हुड साइकोलॉजी जस्ट फॉर दैट टू अंडरस्टैंड इट एंड अप टू फाइव की जो एज होती है ना वो इतनी नाजुक होती है दैट इट इज सो इम्पॉर्टेंट To say the right things at the right time. You you grow. You you know, you grow with kids. You need to have kids around you. You yeah. need to be with the kids. So I say that if ever I want to do anything, I want to be there if anybody needs me. That's wow. the best that you can do for anyone. Your time is the biggest gift you can give anyone. Yeah, agreed completely. सो दिस इज द ओनली इंसिडेंट और एक्सपीरियंस एज फार एज समथिंग लाइक दिस वॉज कंसर्न जो आपने बताया मैंने तो बहुत बता दिया मैंने कंसेंट की बात कर दी मैंने नहीं मैं वो uh, जो आपके साथ हुआ आपने जो बोला पहाड़ों पे दैट दैट उसके or, or, uh, very... ऐसा I, इसके अलावा uh, भी हुआ. Times, भी इट्स अ वेरी थिंग इट हैज हैपेंड विद मी कपल ऑफ 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 टाइम्स फ्रॉम चाइल्डहुड टिल 30 so, yes, took me, uh, तो जब आपको, 30 एट एट हैपेंड तब तो मतलब Uh, हाँ, आप अडल्ट थे हां अडल्ट थे आपने दिमाग था <laughs> लेकिन वो हां लेकिन वो फिर शायद हैंडल करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यस बिकॉज़ क्या होता है ना आप पीपल ऑलवेज टेल मी दैट यू नो व्हेन वी हियर योर स्टोरीज और व्हेन वी नो योर स्टोरीज और वी लिसन टू योर एक्सपीरियंसेस इंसान ना कड़वा बन जाता है बट आपको देख के ना वो लगता नहीं है मैंने कहा मैं उस कड़वाहट से इतनी जूझ चुकी थी और बोर हो चुकी थी दैट आई वुड नेवर लाइक माई ओन सेल्फ आई एक्चुअली हिट द रॉक बॉटम एंड देन आई वॉज लाइक देर ओनली थिंग इज टू हैव टू बाउंस बैक दैट वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट बिकॉज when you have come to a level कि आप भाई suicide के बारे में सोच रहे हो इसका मतलब है आपकी दुनिया उजड़ चुकी है hmm. आपके पास hmm. कुछ ही नहीं बचा है but whatever happened however it happened I am blessed when I uh, found myself I'm like no my parents have not given me birth or a good life or provided me I have been a very protected child एंड आई हैवट द बेस्ट ऑफ वट आई वॉन्ट इट बट स्टिल वो जो एक होता है ना कि आपका जो कम्यूनिकेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है hmm. कि आप किसी से अपनी दिल की बात बोल सको अनफिल्टर्ड दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट और बोलने से ज़्यादा जो सुन रहा है वो इंसान बहुत मैटर करता है hmm. क्योंकि वो आपको अनफिल्टर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, कर रहा है.

कहते हैं ना लोहे लोहे को काटता है दिस, दिस, हम बचपन से सुनते आए हैं एंड दिस इज सच लाइक आई हम नोन पीपल हु मीट मी इन द लाइक यू नो वैन आई हैव दैम एंड इट्स नॉट अ जेंडर बायस थिंग इट्स इफ आई हैव मेट अ फीमेल फ्रेंड ऑफ माइंड और अ मेल फ्रेंड ऑफ माइंड और एनी बडी वैन आई हाग इफ समी वॉन्ट टू हग आई ऑलवेज से डू इट प्रॉपरली इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटेंट नॉट इज नॉट एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटेंट वो आपका इंटेंट है, है ही नहीं वो हम उसको वैसे ले लेते हैं hmm. वो हमारी सोच है करेक्ट सो वेन एवर आई हम बडी यू नो आई है थर्टी सेकंड वन मिनट इट एंड दे सी दैट यू नो यार निधि तुमसे बेस्ट हक को ही नहीं दे सकता यार आपने ट्राई नहीं किया करो तो सही मैंने ट्राई किया सो वेन समथिंग दैट ब्रोक मी द बैड टच और मुलास्टेशन और सामी हुट ब्रोक मी आई है फाउंड माई हीलिंग इन अ गुड टच ऑफ पीपल सम्बड़ी हु वुड सिट विद मी होल्डिंग माई हैंड समी हु

i was at a junction in life where i was 137 138 but i always loved dressing up me have ni so fotoos used to ya to tell ya I unko bolti but yeah my photos are like very like you know those monty cars and all that stuff i have those pictures so uh when i came into uh, like uh, my um, mid 20s i would say अब जब आपको एक जो आपका बेसिक नेचर है वो कभी नहीं बदली होगा तो आई लव ड्रेसिंग का आई लव यू नो एक्सपेरिमेंटिंग बट मे बी आई डेंट नो द राइट वे टू डू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं जब भी ऑफिस के लिए रेडी होती थी एंड आई यूज टू बी लाइक यू नो अपने आप को देखती थी एंड तो मै मादर वुड यूज टू ऑब्जर्व मी दैट एंड देन वैन वी वुड सेट एंड शू लाइक हाँ ये तो ना अपने आप को मुमताज से कब नहीं समझती माई ब्रदर बीन अ ब्रदर लाइक

Hmm. why I need to look like Moti, Bhais, Aishwarya Rai, Mumtaz. Hmm. Why hmm. Why can't I simply be Nidhi Gunjal? <laughs> True. That's what it should be. So why to compare? Of course. Why can't we just simply say, oh, you look gorgeous, you look beautiful. Yeah. Uh, you know, I, like literally I take pride when anybody walks up to me and say, nah, I love the way you carry yourself. I love your confidence. I like your smile. I'm like, thank God. I'm at a better place. I'm at a better place from where I was five years ago, and I'm sure wherever I'll go, it would be a better place. Of course. So yes, it, it's it's an incidence, and I say that whenever I meet anybody, even a stranger, I like something. I always uh, compliment. I like your style. I like your smile, and literally, I see that people would come and they hug me and go, <laughs> a stranger.

कैसी हूँ नो देन आई रियलाइज आई आई फाउंड गुड पीपल आई फाउंड गुड में कॉन्वर्सेशन एंड इम्पॉर्टेंट तो दे वुड सेटेंट यू नो कि आप जो हो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो एंड इफ समी इज कमिंग टू यू एंड इफ समी इज संग समिंग You are full of love. Uh, so the, it, there's a story of the sari also. You would see that it's one of my favorite sari, gifted from a very favorite brand of mine. Love, love, ish. Ish. Wow. <laughs> <I'm> <laughs> love, is <laughs> So this has been gifted by a very dear friend of mine. See, friend. Huh? Friend, 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 friend. a female friend. I am straight. I'm into hmm. men. Let me tell you that. <laughs> <laughs> a female friend and you know uh, her name is komal san she is like a very dear friend of mine and a mentor too i would always go up to her so she uh, gifted me the sari on my birthday and she is the one who gave me a perception that you know when i saw this sari i thought of you because you are so full of love mm. and then i realized this uh, that my

बोलेंगे कि भाई नहीं यार मैंने ये गलत कर दिया मैंने ये क्यों आई हैव एक्सेप्टेड आई एम फुल ऑफ लव आई हैव एक्सेप्टेड आई एम अ गुड सोल आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट आई लिव एंड माई लाइफ स्टार्ट टूडे सो वो वो सब चीज़ें फिर मैटर नहीं करती कि कौन mm. क्या कर रहा है आई एम लाइक गॉड ब्लेस यू यू नीड मी आई एम हियर एंड दैट्स माई यू एस पीइंग लाइक पीपल नो दैट निधि इज ऑलवेज अ कॉल अवे Hmm. And that is the beautiful feeling that you can give anyone. Because imagine if somebody's at rock bottom and they're calling you, I'm here. So I am that zariya, And that's my purpose. So when I was purposeless in life and hmm. I was looking for purpose, that's how nijiba Nidhi was born. यू हैव नो वन नो यू हैव मीन मैं हूं ना तो मेरे लिए मजाक उड़ाया जाता तो कि शाहरुख खान हो मैं हूं ना मैंने कहा क्यों शाहरुख खान कह रहे थे शाहरुख खान मैं नहीं कर सकती <laughs>

I'm done. Uh, even Shahrukh Khan, whoever has been met him and spend time with him, says he's full of love. It's just that he's doing so many He things. He is to... my institute. I uh, see that. Like, you know, I have learned from Shahrukh Khan. You don't need to go to a college. You don't. अगर आपको सीखना है ना, आप कहीं से भी सीख सकते हो. अगर आपकी नीयत है तो. क्योंकि हमारी देश में तो पढ़े लिखे अनपढ़ भी इतने हैं कि छोड़ दो. That's a separate topic altogether. But if you have an intention. Mm -hmm. Like I like it when people say are You are Ranveer Singh And I feel sad that there are no women That people compare me to mm -hmm. Like why So You are sad that people don't compare Exactly because why women are not full of love mm -hmm. Why they don't accept themselves I feel bad The confidence level is so low That it, it breaks my heart it it breaks my heart that you know you don't have a safe space to talk about it breaks my heart कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप डर की वजह से या अपने कंडीशनिंग uh, की वजह से या जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो यू आर चूजिंग टू लिव विद इट सो टेल मी सो आई saying कि मैंने जो uh... मैं जब भी किसी की जर्नी देखता हूँ ना मतलब कोई कहाँ पे है तो मैं सिर्फ ये नहीं देखता हूँ दे आर मैं ये देखता हूँ कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे ठीक है तो आपके जर्नी में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ आपके लिए शायद अलग कुछ हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से इज दैट आपको चाइल्डहुड में आपका जो सबसे ज्यादा चीज थी आपके वेट के बारे में लोगों ने कमेंट्स किए सो बेसिकली इट वाज योर लुक्स ओके और आगे का उसी के बारे में बात करेंगे ना हाँ तो मैं तो वही रहा था तो तो बात कर रहे थे तो उनको भी गलत नहीं बोल रही है। मैं गलत पे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपकी अचीवमेंट इसमें ये है कि आप फिर जाके ऐसे प्रोफेशन में आती है जहाँ पे आप लोगों को योर मेकिंग श्योर और यूर हेल्पिंग देम लुक गुड और फील गुड इज वॉट यू सेट फील गुड तो आप हाँ बट इट्स रिलेटेड टू लुक्स तो जो चीज के बारे में आपने इफ It is an internal thing. It is an internal agree. thing. But, but for you, also, the problem was more internal than external. I believe you. That's so exactly that's, what i say. Yeah. So, so same it's a thing now, uh, yeah. So, when I say it, uh, you asked me a very interesting question that, you know, how it is. So, I said it that, you know, you can look good, but not necessarily you feel good. Yeah, of course. But you feel good, you will always look good. Yeah. So, the achievement is you are not feeling good at one point of time about yes, your looks. Yes, and go. now.

आप क्या कर रहे हो उसके बारे में अगर आप जो मैं सोशल मीडिया जो माध्यम है आज की डेट में हम सोशल मीडिया पर रहते हैं हम पढ़ते हैं हम देखते हैं हम देख कैलकाटा का जो केस हुआ है माय हार्ट ब्रेक्स बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स इट्स लाइक यू नो इफ अ मैन कम एंड स्टैंड नेक्स्ट टू मी आई विल नॉट फील कंफर्टेबल फिजिकली the the person needs to find, i'm sorry just a the the person first needs to make me feel comfortable and a touch is not necessary it has to have an intimate or a sexual touch it could be otherwise also it's a very basic thing my question to everyone every damn person what are you doing about it

उसका रिजल्ट क्या होंगे बिकॉज बचपन से तो हम सुनते हैं, जो मे, मेरी सोच है जो मेरी मेरा निजी मंत्रा है वो ये है कि नॉलेज इज पावर सुना है हमने आई बिलीव अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर एब्सुलटली आप कितनी भी नॉलेज बटोर लो जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे ना Hmm. उसका कोई रिजल्ट नहीं, नहीं, नहीं है उसका राइट right. मुझे वेट लूज करना है आई 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 सी दैट दैट हियर व्हेन गो क्योंकि वो टॉपिक और मुद्दा हम उस पर बात कर रहे हैं यार मुझे ना वेट लॉस करना है यार मुझे पतला होना है यार मुझे आपका पर्पस इज गलत है बहुत शॉर्ट शॉर्टलिफ्ट है मुझे पतला होना है मुझे वेट लॉस करना है क्योंकि मेरी शादी है hmm. क्योंकि मुझे इस ड्रेस में फिटाना है क्योंकि hmm. मेरा प्रॉम है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है Hmm. कोई ये नहीं बोलता मुझे मेरी लाइफ अच्छी करनी है दैट्स द बिगेस्ट स्कैम द डे यू अंडरस्टैंड कि पर्पज क्या है कि ये चीज करने से मुझे ये फायदा हो रहा है या ये चीज करने से मेरा ये नुकसान हो रहा है जो आपकी इमोशनल ईटिंग होती है जो आपकी बिंज ईटिंग होती है बिंज वॉचिंग होती है वो क्यों होती है आपका दिमाग सुन हो जाता है hmm. नशा hmm. सिर्फ ड्रग्स से नहीं होता हम सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर देखते, देखते हैं नशा वो चीज है जो आपका दिमाग भटका दे दैट कुड बी एल्कोहल दैट कुड बी ड्रग्स दैट कुड बी टेलीविजन दैट कुड बी नेटफ्लिक्स दैट कुड बी फूड दैट कुड बी अ ब्लाइंड लव सो हम सिर्फ एक चीज पे टिके रहते हैं बट हमें नहीं पता कि भाई उसकी अंडरलाइन बहुत आप बेसिक मुद्दा भूल रहे हो आपका पर्पज mm. क्या है द डे यू से यू लूज वेट और वर्क ऑन योर सेल्फ ओवरऑल बिकॉज योर कॉग्नेटिव स्टाइल हाउ यू से टॉक योर बॉडी लैंग्वेज योर द वे यू थिंक योर परसेप्शन मैटर्स योर पर्सनल स्टाइल इज हाउ यू ड्रेस अप वट वर्क फॉर यू वट डज वर्क फॉर यू टूडे वन आई ड्रेस अप एंड आई गो आउट नो बडी से ये तो मोटी है Hmm. I do get a compliment that you know you look so beautiful, you just look so nice, you look so pleasant. Same insan, same body. So why are you stopping yourself? For what? True. आपकी दुनिया आपके बिल्स नहीं भर रही है, आपकी फैमिली मैटर करती है. I have been blessed to have a family who stood by me as a rock. कभी-कभी वो rock खरोच भी देता है, तो वो है <laughs> क्योंकि रॉक का काम है वो बट अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वे यू कैन यू नो आपको पता है यार आप जो मर्जी कर लो यू हैव टू गो दे यू हैव अ हाउस टू गो बैक टू यू हैव पीपल टू गो बैक टू दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग यू हैव इन लाइफ कि आपको कोई रोक टोक नहीं है एंड आई हैव हैड दैट ब्लेसिंग लाइक मुझे वो फ्रीडम मिली आपको जो करना है करो देयर आर सो मेनी पीपल हु टेल मी दैट यू नो निधि यार तुम्हारी लाइफ देखो तुम तो सोशल मीडिया पे आज औरी के साथ होती हो आज इसके साथ होती हो आज उस सेलिब्रिटी के साथ होती हो बाबा बट नोबडी सेज दैट निधि यू वर्क सो हार्ड टू बी देयर निधि यू मेड दैट चॉइस टू बी देयर आप वो देख रहे हो लेकिन निधि ने कितना Effort, it takes an effort, it takes an intention to do something. So, what have you done about it? Mm. What are you doing about it? Because talking doesn't help. Doesn't help unless us. it's paid. If somebody, <laughs> <you to talk. laughs> if someone is paying you to talk, then talk. Otherwise, action will give you consequences and yeah. results. Okay. Plain and simple. I'm trying to make a profession where I'm paid to listen.

active listening and responses have no correlation, no correlation. people have become so reactive mm. response mm. they will not stick to the question mm. and that you know it, it's not a happy situation it is not so, so when when i go out when i meet people and i'm like ki yar, paise Mil <laughs> I have good 17 years of experience as a professional. Wow. 17 years as a stylist or before that? I'm, he... a f I'm 41 years. Aapko age <laughs> I... <laughs> you have to hide your age. <laughs> <boul dahi. laughs> no, when I go out. You have to be successful. You have No, but I tell you something the reason why I'm saying is because when I go out, I meet people, uh, men, women, anybody, the kind of. Uh, इवन ऑन यू नो हमारा जिस तरीके का कॉन्टेंट बनता है या मीडिया में जैसे लोग काम करते हैं तो मुझे पता क्या ब्रीफ मिलती है यार मुझे ना यंग दिखना है मेक मी लुक यंग समी आस्ट मी नो बड़ी आस्क आई यू हैप्पी आई वॉन्ट टू लुक हैप्पी विच तो कह रही हूँ ना पर्पस हिला हुआ है

उनको है कि क्या होगा? आपको पूछे नहीं दो नहीं ने तो बोला कि हमें बड़ी लड़की नहीं चलेगी <laughs> <laughs> वो बेचारे को ट्रेवल नहीं देना चाहती तो पहले चीजें क्लियर रखो तो फिर मम्मी जी भी सेफ है चलिए ठीक है पार्ट इट्स लाइक आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एनी थिंग एंड एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन दैट

like my favorite is the kalam sir i read abdul kalam uh, expression yes. i i literally believe in that quote and i actually started doing that and it showed result that you know apna <laughs> bagicha butterflies are <coming. laughs> and i started watering my own garden and taking care of my own garden and it has been fruitful आई एम सेटिंग हेयर सहीस इट टेक्स अ लॉड ऑफ एफर्ट एंड टेंशन इन करेज एंड वन थिंग एट अ टाइम वन डे एट अ टाइम दैट्स बीन माई मंत्र आई गेट एनजाइटी आई गो बैक आई थिंक एंड एम लाइक वन डे ब्रेथ वन थिंग एट अ टाइम वन डे अ टाइम अभी क्या करना है वो बताओ कल का बाद में देखेंगे क्योंकि कल तो वैसे अभी तक आया नहीं है जब आएगा तो देख लेंगे

कॉफ़ी विद कारन का एपिसोड एयर हुआ था तो आई सॉ दैट उससे पहले देखा था कि हाँ और है कोई कुछ है एंड ऐसे ही चलते फिरते सोशल मीडिया पे देख लिया टीवी पे देख लिया बट जब वो कॉफ़ी विद कारन आया मैंने वो एपिसोड देखा फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स आई एम लाइक बंदे में कुछ तो बात होगी ना कि करण जौहर के सामने बैठ के उनका इंटरव्यू हो रहा है एंड द वे ही वॉज टॉकिंग and i love it when you know he was asked that what are you doing and he's like i am doing my best i am just doing my best and i love to like i i say the originality of it but this is the only thing i love to copy no i am doing my best because that is the best that you can do and i was so mesmerized by it i told my mom many ki maine the kaya ye dekho interview just focus on the interview <laughs> the energy the way he spoke the way he dressed his body language by god that human being just oozes confidence and people would call it arrogance i call it confidence to sit there and talk about yourself your thought process and to thank yourself is what we don't do. We always give credit to other people, thanks to my mother, thanks to my father, thanks to my teacher, Thanks to la, 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 la. But then he's like, "I thank myself," which is such a beautiful thing to do. I learn from that human being every day. That's everywhere. also a part of healing, actually, to say thank you to yourself for what no, I mean. Uh to, because you know, you're appreciating yourself for something truly attitude, that you've done, yeah, it's very important for anything. And this is so. How did I meet him? I was event in and I had gone there. And i and he passed. I was like this, like literally. बिकॉज यू नो आपने थोड़े दिन पहले एक इंसान को देखा जैसे मैंने अभी बोला ना कुछ शाहरुख खान से मिलना है रणवीर सिंह से मिलना है तो उस दिन वो मैंने जब करण जौहर का एपिसोड देखा था बस लाइक यार एक बार तो उससे मिलना है एंड वैन यू सी दैट पर्सन वॉकिंग इन फ्लैश इन फ्रंट ऑफ यू लाइव आई आई बिकम लाइक अ फाइव इयर ओल्ड माई गॉड आई वेट माई फेवरेट कैंडी स्टोर एंड लाइक दैट एंड मैं अपनी क्लाइंट के साथ गई थी oh. For that event, she looked at me and she's like, Nidhi, I've never seen you like this. I'm like, okay, please pardon me. <laughs> <laughs> can I go for five minutes? Like, yeah, she go. I walked up to him and I'm like, uh, can I get two minutes with you? He's like, yeah, sure. I said, can I take a picture with you? He's like, no. And then I said, okay. Can I talk to you? He said, like, Yeah, of course. And he asked my name. I said, Nidhi, like what do you do? I said, I have a brand called Nidhi. And then he's like, Oh, Nidhi by Nidhi. I'm like, That's exactly my brand name on Instagram. He's like, See, I know. And the way he was talking. So I was not offended by his no. I liked the fact that, you know, I got to be in his personal space, even for five minutes. बिकॉज क्या होता है ना आप मैनिफेस्टेशन की बातें करते हो आप सब बोलते हो बट जब आपको लाइफ वो अपॉर्चुनिटी या जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो दे रहा है आई यू बेच्योर इनफ टू इंजॉय इट यू आस्ट फॉर इट सो वेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी विद एनी सेलिब्रिटी और एनी थिंग और एनी थिंग आई वॉन्ट एंड आई गेट इट आई वॉज लाइक सो अर्ली ना मेरी एक आदत थी uh, यार काश मैं कुछ और मांग लेती

So yes coming back to Ori then I spent that 5 7 minutes and I was very sad yaar mujhe na Ori ke saath picture name. mili because Ori is known for his pictures and unka wo pose jo unka chahiye chahiye. Pose yeah. hai. Toh i

ये मेरा मानना है आई आई एम नॉट अगेंस्ट आई गो टू टेम्पल आई गो टू मॉथ चर्च आई गो एवरी वे आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन आई बिलीव इन एनर्जी एंड वाइब्स लेकिन आप रिजिड नहीं होके रह सकते दैट्स फॉर मी तो वेन द ऑरी एपिसोड हैपेंड इट वॉज लाइक कि उन्होंने एक पार्टी थ्रो की फॉर द मीट एंड ग्रीट एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड आई वॉज इन डेली आई रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेट इट वेंट लाइफ And one thing I love about Ori, like like like, I went flattered. He's a very responsive person. Forget the media part. Forget his, uh uh, you know, anything and everything. If today also I message him something, he'll respond to that message. And how I know it's him? It's a very funny incident or an interesting one. So, Jab Hamari और की पार्टी के लिए हम गए थे नाइन्स में वो थी एंड uh, उससे पहले मैंने एक रील बनाई थी एंड ही यू नो वॉज वेरी स्वीट अनाफ टू रीपोस्ट इट एंड कॉमेंट ऑन इट एंड ही वुड कॉमेंट ऑन माई रील्स एंड मैसेज एंड ऑल सो एक हो गया था डी एम डी एम में वी वो कनेक्टिंग बट आपका एक थाट प्रोसेस है यू ऑलवेज हैव इट इन माइंड इज इट दिस पर्सन और समबडी एज सोशल मीडिया मैनेजर और मैनेजर और एनी बडी आई वॉज नॉट कन्विंस बट जब पार्टी के दौरान डीजे कंसोल के ऊपर ही वॉज लाइक डांसिंग एंड आई कैन सी हिम हिज फोन इज इन इनज हैंड और मुझे मैसेज आता है वेर आई यू लाइक यू नो मैसेज मे एंड लाइक वेर आई यू आई है आपका एक आप जिसके फैन हो यू एडमायर समबडी एंड यू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट पर्सन इज मैसेजिंग यू So that was a good moment, a feel good moment, and then I'm like, "I'm here only I said, come, I wanted to meet you, I wanted to see you and all and there were so much people, and they were like literally you know essay like we didn't have space to walk. I had to go to my chat d m and I had to show it to people that see its Ori calling me it's and then they, i found a way to go to him to, to the dj console and then he came down and like oh it's you because party member shakal but he didn't know that it's me who has been talking to because i look different in all my avatar mm. <laughs> so it's like it's you i'm like yeah and he said that you know you made such a nice reel it was so sweet i liked it i feel that agar you kuch kham kiya apni kuch kiya hai, invest kiya hai, time energy और आपको उसका डायरेक्ट फीडबैक मिलता है ना या डायरेक्ट अप्रिसिएशन मिलता है आई फेल्ट दिस इज इट दैट इज द मोमेंट एंड देन हार्ड वी स्पोक एन दार्टी वॉज लाइक यू नो वेर यू गोइंग यू नॉट गोइंग एनी on screen. Like, लाइक आई लव द फैक्ट दैट यू नो बिकॉज are आर lot ऑफ times what when आई मीट पीपल आप बहुत लोगों से मिलते हैं द काइंड ऑफ प्रोफेशन आई एम in और द

It was one of the beautiful moments. Like, I enjoyed it and uh, I had fun. And now, also, if I send him something or if I wish him happy birthday or you know, he would respond to it. He'll send me a heart. You don't have to write a love letter. Of you course. Know, sometimes yeah. it's like acknowledgement means everything, yeah. Means a lot. So, in today's time, mein, the reason I'm sharing it in detail is because you na i talk to people i deal with different kind of people in my day-to-day -day life or may i be called i'll get back to you i will just call you in one hour it never happens cool. this is not healthy it is not mature it is not professional we need to keep a word and if it if you don't want to take it further Be mature enough, sensible enough, sensible can communicate. Convait, we yeah. are different people. we are are different different people, human beings. जरूरी नहीं है कि आपकी सबके साथ बनेगी बट आप उसको एक नॉलेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रख सकते हो इंसानियत के नाम पे आप बोलो मुझे काम नहीं करना है आप बोलो ये वर्कआउट नहीं होगा आप बोलो दिस इज नॉट अ with विद अ There देर आर डिफरेंट वेज टू से विदाउट बीन रूड of course but not responding to phone calls not uh, calling back not responding to messages that's Keep, insulting actually at the same I, time rude and insulting. i don't know i don't want to use that very heavy term as insulting but i feel that as a human being you are so shallow key you say appka time management time. like i would if i have to profile it

एंड वेन पीपल कम बैक टू मी मैं उनको कभी नहीं सुनाती दट द वर्थ यू कैन डू टू एनी वन बिकॉज इफ आई डोंट लाइक इट आई वुड नॉट डू दैट टू एनीबडी एल्स एटलीस्ट आई ट्राई एंड मेक कॉन्शियस एफर्ट फॉर दैट इंसान हूं मुझसे भी गलती होती है लेकिन आप मुझे बताओ कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी देन ओनली आई कैन वर्क अराउंड ऑन दैट आप बोलोगे ही नहीं आप शो यू जिस गोस्ट

And if you are going through something, or you're not in that right frame of mind, we will figure it out because there is a solution to everything. And I have seen the rock bottom. If I can do it, anybody can do it. If I can climb fifty floors, I remember when I was doing that, mujhe appreciation se mili thi. ankle, apki kamar.

एज़ समन हु सीन हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत लोग उनके बारे में ओपिनियंस देते हैं और कहते हैं कि ये वो यू you नो know, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि एक तो आई थिंक इज यंग गर्ल्स हो इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और पिछले तीन चार साल में उन्होंने जो खुद ने खुद के अराउंड एक पर्सनल ब्रांड बना दिया है मतलब दैट गाय हैज डन समथिंग राइट इंस्टीट्यूट फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सो आई एम सेइंग से अगर मुझे मतलब लोग उनको पूछते हैं ना मतलब उनकी फैशन के बारे में एक तो बाय द वे आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज फोन कवर्स आई शुड से बिकॉज देर लॉट ऑफ वराइटी सो आई एम दैट पीपल कीप आस्किंग अबाउट क्लोथ्स एंड यू नो क्लोथ कीप क्लिकिंग पिक्चर्स फिर फॉर इज डिफरेंट अपियर if i got a chance to meet him and talk to him i would actually ask him that you break it down that what did you do exactly and how did you reach here because there's so much to learn but people don't want to यू नो लुक एट द बैक स्टोरी और लुक एट अर्सन सी यू कैन है मनी इन दर्ल्ड आज कितने लोगों के पास पैसा है उनको फेम चाहिए लेकिन दे आर नॉट एबल टू बिल्ड अल्ड अराउंडफुल किया एज में तो बंदे ने कुछ तो सही किया है एंड फॉर आई रिस्पेक्ट हिम सो आई ऑल्ही गलत कुछ तो सही किया होगा दी ओनली थिंग उसके किया है वही बोल रहा हूँ किया है किया है लाइक यू नो एक्शन पर मैं सही इसके लिए बोल रहा हूँ वर्ड यूज किया है बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनल ब्रांड निजी ब्रांड निजी ब्रांड इट ट्रांसलेट्स टू द सेम थिंग निजी बिकॉज क्या होता है ना कि यार लोग क्या सोचेंगे ये सही लग रहा yeah. है कि नहीं लग रहा है यार ये लिपस्टिक मैं पहनूं कि नहीं पहनूं ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं अरे जब तक आप करोगे नहीं कैसे पता चलेगा करेक्ट करेक्ट और आपने एक बहुत अच्छी बात पहले भी कही थी कि ही इज द सेम पर्सन यू सी ऑन कैमरा ऑन टी वी ऑन योर सोशल मीडिया एंड इन रियल लाइफ सो आई वुड से ऑर ही जैसा आपका पर्सनल ब्रांड तभी बन सकता है अगर आप सेम इंसान वही हो जो दिखते हो क्योंकि यू कांट योर ऑथेंटिसिटी यू कांट एक्ट लाइक ऑर यू हैव टू बी ऑर ही दैट इज द डिफरेंस

और आई हैव लिव लाइक दैट कि मैं हिरोइन हूँ और मुझे उसके लिए ना जरूरत नहीं थी कि भाई मुझे कैमरा चाहिए तभी मैं मैं आप हो <laughs> मैं तो तो आपने <laughs> आपने क्योंकि क्योंकि मूवी में काम भी किया है है ना I हमने बचपन से वो जो एक बड़ा होता है ना आई लाइक इट व्हेन यू नो व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन लिफ्ट और समी लुक एट मी एंड दिस They look at me and they smile. And I feel that, oh, I have been that young girl who would look at the other women and smile and would want to, you know, coming to that, it's a very important thing if we want to be like them. like you said, can be Ori. The only thing is be yourself. So no, I meant to say that Ori for him, If he would have planned that, you know, ऐसीलिटी मेरी बनाते हैं तो वो आप बना नहीं सकते हो वो आपकी होगी तभी वो दिखेगी जो पर्सनैलिटी है जैसे आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें

आई हैव बीन ऑन दैट साइड बिकॉज या आपको ना कुछ uh, क्या बोलना अभी जैसे आप कुछ भी नेगेटिव सोचोगे ना आपका बॉडी लैंग्वेज आपके एक्सप्रेशन आपकी टापी करेक्ट करेक्ट सो वो जब आप ये सोचते हो ना कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इन्जॉय कर रही हूँ मुझे मजा आ रहा है या मुझे पहनना है या मुझे यहाँ जाना है या ये मैं अपने लिए कर रही हूँ तो उसकी लुक उसकी वाइब अलग ही हो जाएगी और वो दिखता है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यू आई एम हैप्पी पर्सन आई हैव माई वाइब नो इट्स शोज इट इट दैट्स दैट्स योर पर्सनल ब्रांड और दैट्स वॉट हु यू आर और वॉट यू वॉन्ट टू बी हाउ यू वॉन्ट पीपल टू सी यू क्योंकि वो जो मैंने पहले बोला ना विजुअल अपील जो देखता है इंसान उसी के बारे में बात करता है आई डोंट सेटिंग योर की आई एम सपोर्टिंग बीन फैट और मोटा नो आई एम सीइंग दैट देयर इज अ लाइफ विद इट यू कैन स्टार्ट लाइक बहुत बार होता है अरे ये तो मैं पतली हो जाऊंगी तो करूँगी ये तो मैं भाई साहब मैं बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर्ड हूँ मतलब मेरी तो पूरी बचपन से लेके कर आई लव हिंदी मूवीज़ एंड श्रीदेवी जी रेखा जी एंड ऑल द साड़ीज़ का जो मेरा था ना वो वहाँ से आया है एंड आई ऑलवेज उसमें मेरी शादी हो जाएगी ना उसके बाद मैं साड़ी पहनूँगी मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं सिर्फ साड़ी पहनूँगी क्योंकि भाई आपकी कंडीशनिंग रहती हुई है ट्वेंटी फाइव हो गए हो गए मैंने कहा तो तो तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी तुम साड़ी नहीं पहनोगी तो हम ना हर एक चीज़ पे एक रीजन लगा देते हैं विच इज नॉट राइट ओकेजन फॉर इट यू आर एन ओकेजन द डे यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि आज ये सच्ची में मेरा आखिरी दिन है और अगर मैं आज अभी मर गई ना यहाँ से निकल के एक्सीडेंट हो गया मेरा या डाइ इन माई स्लीप आई एम हैप्पी बिकॉज आई डिड अ पॉडकास्ट एन आई डाइड आई गिव अ लाइव इंटरव्यू एन आई डाइड तो कुछ तो मतलब जो पहले कभी नहीं किया वो किया सो so, वो चीज़ बहुत जरूरी है पीपल जस्ट यू नो रिस्ट्रिक्ट दम सेल्फ एंड आई हैव ऑलवेज बीन आउट ऑफ द बॉक्स पर्सन ऑलवेज मतलब आप बोलो नहीं मैं वो करके दिखाऊंगी आपको सो कि आई हैव ऑलवेज बीन सम्बड़ी हु वॉन्टेड टू बी आउट एंड अबाउट मैं कॉलेज में थी ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा है बिकॉज आई लव डांसिंग डांस इज लाइक माई पहला प्यार और वो बहुत कम लोग देखते हैं मतलब इट्स नॉट दैट आउट एंड अबाउट आई डू द रील्स बट वैन आई डांस पीपल स्टैंड एंड वॉट एंड आई गेट स्टैंडिंग ओवेशन सो लाइक वा कइंड ऑफ थिंग सो कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर था एंड दैट वाज द टाइम आई हैड रियली पुट अ लॉट लाइक बिग दू जो चेंज था ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के हैड पुट ऑन एंड कॉलेज गई तो हमारा जैसे वो फैश्स uh, का वेलकम डांस था तो मैंने तो अपना मैं बचपन से ही कुछ भी होता था स्टेज शोज़ या uh, मीरा भाई बनना और वो सब मुझे बड़ा शौक था तो आई रिमेंबर मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ स्टेज पर एंड माई हेड गर्ल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड मी दैट यू नो शी इज दर्स एंड शील बी परफॉर्मिंग फॉर आस एंड ऑल और जब वो स्टेज से उतर रही थी और मैं स्टेज से चढ़ रही थी एंड शी टोल्ड मी दैट यू नो स्टेज मत तोड़ दे रहा इट्स एन इनडिर ड I would yeah, say, I would. you, you body shaming, indirectly. Yeah. Stage, I am proud of myself that I did not let that get into my head. And I went, Igbar music shuru hua, and I was like, the song was chama Urmila. Urmila ji. I love her. And uh, I performed, I, I was like, you know, what do you And I danced and I, stuff. एंड आई रिमेंबर वेन आई स्टॉप आधा ऑडिटोरियम खड़ा होकर नाच रहा था एंड देर वॉज अ स्टैंडिंग ओ वेशन एंड पीपल क्लैपिंग में स्टेज तोड़ दी एंड आई वॉक डाउन द सेम पर्सन टोल्ड मी वॉट इज स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस तो स्टेज मत तोड़ देना से स्टेज तोड़ का जो परफॉर्मेंस था ना देट इज वेर यू फाइंड कॉन्फिडेंस वाओ wow. और <laughs> यही कॉन्फिडेंस था कि आपने वो मूवी भी की यू आर अ पार्ट ऑफ अ मूवी मूवी हां ओके ये अह इट हैपेंड इट हैपेंड आई हैव बीन अ डेस्टिनी चाइल्ड एंड आई हैव ऑलवेज टेकन माय चांसेस इफ अगेन इसमें देखो आपको जो चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया वही चीज ने आपको मूवी भी दिलाई राइट यस uh, yes, आप बहुत सही बोल रहे हैं ये उस समय इज़ दौर वेन आई वॉज वन थर्टी सेवन वन थर्टी एट के जीज एंड मैं ऑफिस में थी आई यूज टू वर्क इन अ कोपरेट दैट टाइम मेरे पास एक कॉल आता है द सेम पर्सन विजेता भारद्वाज धोनी शी कॉल्स मी एंड शी इज़ लाइक यू नो वॉट दे आर लुकिंग फॉर अ फैट गर्ल मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया है मुझे आज भी याद है शाम के पाँच बज रहे थे

तुम स क्यों नहीं देती हो तुम क्यों नहीं जाती हो लॉट ऑफ पीपल टोल मी एस एट सो यूनिवर्स इज यू नो ब्रिंगिंग मी बैक ओके लेट सी बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं करती हो hmm. I'm like, मैंने कभी नहीं की। कि नहीं कोई बात नहीं ट्राई करने में क्या आ जाता है एंड आई अ लीप ऑफ फेथ बट वो जो एक जैसे आज है ना कि भाई आर्यपार उसमें थोड़ा सा पुश लगता था तो शी इज लाइक कि नई ऑडिशन है आप दे दो तो देवर लुकिंग फॉर अ गर्ल हु लुक लाइक भारती जी एंड भारती जी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रियली वाज ऑक्यूपाइड और उनकी डेट्स नहीं मिली उनको तो दे देवर लुकिंग फॉर अ गर्ल हु लुक लाइक ह एंड दिस फ्रेंड ऑ ऑफ माइंड कॉल्ड मी एंड भेज दिया मुझे उनका मुझे आ गया मैसेज और जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिशन uh, के लिए मैं तो कहाँ पर ही थी क्योंकि मुझे तो था कि भाई क्या करना है कैसे करना है यू डोंट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं थी कुछ नहीं था शीज वर्क एज एन एक्टर तो शीज़ लाइक एक काम करो आप मेरे घर आ जाओ हम देखते हैं क्या लाइन्ज हैं एंड स्टफ करा देंगे मैंने कहा ओके okay, ठीक है मैं गई बट समझ ही नहीं आ रहा था ही नहीं फ्लो हो रही थी बोल ही नहीं पा रही थी मैंने मारे दो के <laughs> 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 अब चलो जाएगा चलो दो वोटका के शॉट मारे पहुंची उनकी ऑफिस नोबडी आई दिन सो ओपनली एंड दिस But yes, we you know this is how we find help in substances which is not a right thing. I'm not supporting it. लेकिन आज अगर आप जाएं ऑडिशन के लिए आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। I i'm like to talk to express to do whatever. I'm like for fun, yes sometimes. नहीं, <laughs> I'm but saying but for audition you won't need it today. हाँ, but I have never been like an alcoholic की नहीं मुझे तो हाँ, but वो होता था ना कि मैंने पीने के बाद बहुत रायतेफलाया लाइफ में, because I was emotionally imbalanced person. एंड वो तभी होता है तो अभी वो समेट लिए हैं अभी भी थोड़ा वर्क इन प्रोग्रेस है बट ठीक है तो दैट the like तो है उन्होंने मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया उन्होंने सिर्फ मुझे done. बोला आप अप, no, no audition at all. Done, सीधा सीधा मुझे बोला कि आप कैमरे में देखो मैंने कैमरे में देखा और उन्होंने बोला आप सिर्फ अपना नाम बोलिए तो दे वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्लो

And the irony of it was कि जिस चीज के लिए मैं पूरी लाइफ सुन रही थी मोटापा हाँ उसने आपको मूवी दिला दी I work like people touch for like you know people work hard auditions I see that when I work with people and I see industry कैसे uh, चलती है but for me it has been like this so I I feel that I am blessed and I'm lucky that I had that opportunity

कि चार अलग अलग लोग हैं जो प्यार के लिए घूम रहे हैं एक भिखारी है एक मोटी लड़की है एक बूढ़े इंसान है एक बाबा जी हैं तो ये फोर कैरेक्टर्स और फिर उनकी ग्रूमिंग और चेंजिंग होती है और फिर वो कैसे यू you नो know, प्यार करते हैं तो मेरा वही कैरेक्टर था कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही है मेरा ये नहीं हो रहा मैं सुसाइड पॉइंट पर खड़ी दिस इज़ लाइक funny but yes it was a good experience we shot in goa for two months and it was one of an amazing experience of my life and then jehua same year uh plus size now all plus size the lakme fashion week jhobiota the all plus size ka they do an audition where they call people for the ramp walks and all that stuff तब तक वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यू नो लेट जस्ट वो एक बार आपको ना आप वो कैमरे के आगे आ जाते हो आपने मूवी कर ली आपने तो देख वो अच्छा लगता है लाइक चलो ये भी ट्राई करता है आई वोर मिनी स्कर्ट एंड आई वॉज लाइक आई वॉक द रैम एंड ऑल आई वेंट फॉर दिन एवरी थिंग मतलब मुद्दे की बात ये थी कि आई गॉड रिजेक्टेड बिकॉज दे थाट आई वॉज नॉट फैट इनफ मैंने कहा यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है लाइफ में एक चीज बोल रहे हो हो कि कि बहुत मोटे आप नहीं इसलिए right. क्या चेंजेस like, so uh, you know, मेरे जो पर्सपेक्टिव थे चीजों को देखने का वो बदला मेरा नजरिया बदला कि इट इज नॉट मी इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल वो रिक्वायरमेंट में अगर आप फिट होगे

आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा पता नहीं लेकिन ऑफ इट सोन तो जब मैंने सोचा की नहीं यारू समिंग डिफरेंट आई वॉन्ट टू मेक अ चेंज आई आई वोट इट फोर माई बिकॉज मुझे अच्छा लगता है आई फील हैप्पी वेन यू नो आई कैन बी देव फॉर समबडी तो वो मुझे कहा कि ये मेरा पर्पस है तो हमें करना है तो बैठे रिसर्च करने के लिए एनालिसिस करने के लिए कैसा होना चाहिए क्या करना चाहिए बहुत सारे स्टाइल बॉडी स्टाइल आर्किटेक्ट स्टाइल तो चार ऑप्शंस निकाले उसमें से एक कि स्टाइल आर्किटेक्ट का था मैं आर्किटेक्ट माय फ्रेंड वाज लाइक माई आर्किटेक्ट मैंने कहा आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारे रिसर्च वर्क आप स्टडी कर रहे हो तो आर्किटेक्ट इज अ पर्सन वो जब आप अगर किसी के पास गए yeah, तो वो एक व्हाइट पेपर पे ब्लू प्रिंट बनता है yeah, उसके yeah, बाद फाउंडेशन होती brand. है और फिर बिल्डिंग बनती है प्रोसेस स्टाइल आर्किटेक्ट सांबड़ी जो आपका ब्लू प्रिंट बनाता है और ये टर्म थी नहीं तो माई फ्रेंड इज लाइक देर इज नथिंग लाइक दैट आई सेड सो व्हाट आई हैव क्रिएटेड लाइक आर यू श्योर आई एम लाइक यस व्हाई नॉट इफ देर इज नथिंग हु हैज स्टॉप टू क्रिएट इट शी इज लाइक ओके इफ यू फील सो देन आई वाज लाइक ही कैसे इसको कर सकते हैं हम सो देन आई केम अप विद थ्री टाइप्स ऑफ आफ्टर ऑल द रिसर्च वर्क स्टडीज एंड माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसिस जब आप अपने आप से निजी होते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं एंड देन हम लाइक यार तीन चीज़ें होती हैं जो फाउंडेशन है अभी आपने ब्लू प्रिंट लगा दिया आप समझ गए कि आपको क्या चाहिए या आप क्या हो या किस चीज़ से इन्फ्लुंस हो फिर आता है आपका फाउंडेशन विच इज़ लाइक आई केम अप विद टर्मिनोलॉजी लाइक नॉट दैट इट इज समथिंग न्यू बट आई गॉड फट वन इज कॉग्नेटिव स्टाइल वन इज़ पर्सनल स्टाइल एंड वन इज लाइफ स्टाइल सो द निजी पर्पज या जो मेरा मानना था कि जो हमें करना है या जो मुझे करना है टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन दीज थ्री क्योंकि अगर आपका कॉग्नेटिव स्टाइल जो आपका इनर सेल्फ है नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में एक ले मैन लैंग्वेज में और आपका जो पर्सनल स्टाइल है जैसे आप देखते हो आपका हाव भाव है जो भी है वो अगर अलाइन हो गया ना तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ स्टाइल पे नजर आता है वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती पीपल विल नोटिस कि कुछ तो अलग है कुछ डिफरेंट है कुछ तो सेम चीज नहीं हो रही है तो वो क्या हो रहा है तो देन दिस वॉज फिर मैंने कहा यार जब मैं कार्ड बनाने गई अपना प्रोफेशनल कार्ड की पर, अभी तो बांटना भी पड़ेगा ना दुनिया को बताना भी पड़ेगा आप क्या कर रहे हो जब मैं उनके साथ बैठी तो स्टाइल आर्किटेक्ट लिखा गया मैंने कहा ये तो मेरा प्रोफाइल हो हो गया ये ब्रांड नेम नहीं हो सकता यू गो no, उसमें मेरा, आप hmm. भी है, भी है, क्योंकि स्टाइलिंग तो स्टाइलिंग है hmm. तो मैं तो दाल चावल कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ दाल चावल आपको क्या खाना बताओ आपको बिरयानी खानी है खिचड़ी खानी है मैक्सिकन राइस खाना है हम उस पर तड़का दे देंगे दैट स्टाइलिंग इज ऑल अबाउट वॉट यू हैव हाउ टू यूज इट इन अ प्रेजेंटेबल मैनो और इन एस्थेटिक मैनो दैट इज स्टाइलिंग बट वो डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव में आप कैसे ऐड कर रहे हो वो तो बेसिक है ना सो देन केम द नेम गेम एंड आई वॉज लाइक यार कुछ तो मतलब मैं जब भी किसी से कुछ बात करती थी, थी ना तो वो पर्सनल यार ये ना पर्सनल होना चाहिए यार तुम ना बहुत पर्सनल इंसान हो तुम ना किसी के साथ भी पर्सनल हो जाती हो लोग ना तुम्हारे साथ कम्फर्टेबल हो जाते हो तुम्हारी सारी पर्सनल बातें तो वो पर्सनल 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 इतना आया कॉन्वर्जेसन में दैट आई वेंट इन टू दाइंडिंग द मीनिंग स्पेनिश जर्मन ये वो आप हिंदुस्तानी हो यार आप इंडियन हो आप इतनी बड़े-बड़े मोर्चे निकालते हो बड़ी-बड़ी बातें करते हो बट यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन कल्चर योर कंट्री आप अगर उसके हाव-भाव को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो क्या फर्क मतलब व्हाट आर यू डूइंग आप एक तरफ चेंज की बात कर रहे हो own... और मतलब वो डिस्कनेक्ट है मैंने ना हिंदी पर्सनल को आपने हिंदी कर दिया निजी मैंने पर्सनली हिंदी निजी निजी मामला

वो पीपल टॉक अबाउट आप सोशल मीडिया पर भी जाओगे आप कहीं पर भी जाओगे पीपल टॉक अबाउट मिलियन बिलियन एंड देक अबाउट टॉक टू मी अबाउट वन रुपी बिकॉज वो जीरो से जो वन का सफर है ना दैट इज वे यूल फाइंड योर कॉन्फिडेंस यू विल नॉट फाइंड योर कॉन्फिडेंस इन बिलियन एंड मिलियंस वो आप जीरो हो जिस दिन आपने वन रुपी कमा लिया

सेलिब्रिटीज जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखा आई थिंक तनिषा के साथ आपने एक या, काम मैंने किया अभी है और, और तनिषा जी के साथ काम किया आदा खान के साथ काम किया है स्नेहा बाग जी के साथ काम किया है फिर वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज लेखा प्रजापति शी वी मेट एट एन इवेंट अ पॉडकास्ट शो वेयर शी हैड कम एज अ गेस्ट एंड आई वाज हैंडलिंग दैट शो इट्स इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पॉडकास्ट बाई डोर फ्रेंड रश रुशिता शर्मा द नेम ऑफ द पॉडकास्ट इज रश बा उसमें जब मैं उनसे मिली थी तो इट वॉज जस्ट लाइक अ बेसिक थिंग देन लाइक कि नदी मुझे ना ऐसे आउटफिट चाहिए फिर हमने स्टाइलिंग की बात की dhirakarkefer uh, you know she would be like you you are so calm you're so composed and why don't you uh, manage you become a celebrity manager and i'm like i never looked at myself like that but if there's an opportunity why, why not why not and then eventually it's been like six months with miss ji. and uh, i have been her personal stylist i have been her personal uh, manager i have yeah. been her personal PR person, we have worked with a lot of brands together uh, like uh, in hospitality or product or otherwise at events. So it's been an amazing last six months with her. I <laughs> <laughs> question my since you are a stylist or you celebrities. Ke bhi kaam koi aisa I am Niji. Say, yeah, you are Niji. I am hmm. Niji. I can do anything. <laughs> Just bring it on. <laughs> so the question is, is a celebrity hai jis के स्टाइल सबके पास अपना स्टाइलिस्ट तो होगा लेकिन किसी को चेंज करने की जरूरत है ऐसा कोई दिमाग में आता है जरूरी नहीं है कोई एक्टर ही हो तो या इंडस्ट्रियलिस्ट एक्टर भी काम कर सकते हैं नहीं, नहीं नहीं आपको उनका किसी का स्टाइल देख के लगता है करे यू कैन डू बेटर कैन डू का बेटर का पता नहीं बट एज अब डिप्लोमेटिकली आंसर नहीं दे डिप्लोमेटिक हो रही है आपने आई एम नोन फॉर दैट माई यूएसपी सो so, नहीं बट हमें क्या लगता है कि हम ना हमेशा कहीं भी किसी के साथ कुछ करना चाहते हैं एसोसिएट होना चाहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं इट इज योर क्राफ्ट दैट यू आर पुटिंग आउट बट आई वुड लाइक टू गिव अ डिफरेंट परसपेक्टिव टू दैट आई वुड लव टू वर्क विद ऑरी एज अ स्टाइलिस्ट टू लर्न फ्रॉम हिम लाइक like वो मेरी स्टाइलिंग तो में पीएचडी होगी फिर। अगर आप उनके साथ काम करेगी और लर्न आप करेंगी तो ट्रांजैक्शन क्या होगा वो पेमेंट देंगे आप उनको देंगे आई कैन नॉट अफोर्ड हिम आई कैन नॉट अफोर्ड हिम एज अ क्लाइंट और एज अ मेंटोर और एनीथिंग बट हमारा ट्रांजैक्शन हमेशा प्यार भरा रहा है एंड आई एम श्योर वो आगे भी वैसे ही रहेगा लॉर्ट फ्रॉम हिम लाइक अगर आप उनकी स्टाइलिंग भी देखोगे ना लाइक आई फील एज अ पर्सन मुझे याद है आयुष्मान खुराना जी ने एक बार अपनी ना स्टोरी पर डाला था इफ यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन लर्न फ्रॉम एनी कॉर्नर दैट आपकी सीखने की इंटेंशन अगर है तो आप कहीं से भी सीख सकते है? आप नॉलेज कहीं से भी ले लोगे करेक्ट तो मुझे उनसे वो नॉलेज लेनी है कि अ यू नो व्हेन यू से दैट हाउ टू कैरी योरसेल्फ हाउ यू डू दिस हाउ यू डू दैट इट ऑल हैपेंस बाय न्यूजीनेस योर पर्सनलाइज्ड आप और ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये लोग भूल गए लोग भूल गए हैं मैं कभी नहीं बोलती कह रही मैं कोई कॉमन होती है वो लोग भूल जाते हैं मैं है बहुत ही कोई अतरंगी चीज लेके आई हूं नहीं इट हैज बीन देयर ये बाबा आजम के जमाने से है लेकिन अभी हाँ। अतरंगी चीज मिलनी इजी है जो नॉर्मल वाली चीज है <laughs> वो नहीं मिलती <laughs> वैसा है सो या तो दैट्स व्हाई आई से दैट कि यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कस्टमाइज्ड थिंग हैव अ पर्सनलाइज थिंग बिकॉज बचपन से ना आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडल क्लास बैकग्राउंड एंड हमारे यहाँ पे ऐसे होता था कि भाई बुआ का पहन लिया कजन का पहन लिया मम्मा का पहन लिया अरे ये इवेंट है भाभी का लेके आके पहन लिया सो इन सब चीज़ों में ना आपकी अपनी पर्सनल स्टाइल जो है वो डिवेलप नहीं होती एंड आई फील इज अड रियालिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी और फैमिली बिकॉज दैट इज वेयर यू लूज योर आइडेंटिटी एंड योर कॉन्फिडेंस आपको पता ही नहीं आप कैसे हो आप अपनी बुआ की तरह हो अपनी मासी की तरफ अपनी मम्मा की तरफ अपनी दादी की तरह हो। क्योंकि आप तो सबसे पिकअप कर रहे हो हुँ, हुँ, आपकी खुद की आइडेंटिटी आपकी खुद की चोट हो चुकी है तो ये जो मुद्दा है इट इज नॉट अबाउट नया या पुराना इट्स अबाउट आई एम नॉट अगेंस्ट आई आई बिलीव इन थ्रिफ्टवेयर आई बिलीव इन आई आई है आपके वॉर्ड्रोब में जितनी सारी चीजें से, से आप सौ चीजें स्ट्राइल कर सकते हो अगर आपको बेसिक लाइक अगेन्ट दाल चावल कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड करेक्ट अगर आप दाल चावल समझ गए ना तो उसमें तो आपको तड़का क्या देना है वो आप समझ जाओ समझ जाओगे, जाओगे।

यू नो ये आप तो बहनी लगती हो अरे बाबा मम्मा के कपड़े पहनूंगी तो बहनी लगूंगी ना क्योंकि मेरा पर्सनल स्टाइल क्या है मेरी पसंद क्या है देन वन डे ही लाइक आपके बॉर्डर में जो कुछ है ना आप वो सब फेंक दो थ्रो इट देन गो आउट एंड एक्सप्लोर वॉट यू लाइक वॉट यू वुड वॉन्ट टू वेयर एंड दैट कॉन्वर्जेशन रियली चेंज a lot for me like a mindset not that i don't borrow clothes i borrow clothes from friends from family i still wear my mother's clothes but how to wear it that you decide i decide like if my mother is wearing it as a uh, like a tunic and a churidar i'll wear it as a dress i learned the concept of layering i learned the concept of uh, you know uh wear per लाइक वैल्यू पर पर वेयर वेयर कॉस्ट आप अगर एक ढाई लाख की अंगूठी खरीदोगे आप साल में दो बार पहन रहे हो तो उसका जो साल का कॉस्ट आएगा वो वन थर्टी एट लेकिन अगर वही डायमंड रिंग आप थ्री सिक्सटी फाइव डेज पहन रहे हो तो आपका कॉस्ट पर वेयर डिफर होगा ना तो आप वो लॉगर के लिए ले रहे हो या वो अपने लिए ले रहे हो ट्रू सो वेदर इट एनी थिंग वैन यू आर बाइंग समथिंग वैन यू आर डूइंग समथिंग सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि उसका पर्पज़ क्या है आप hmm. क्यों ले रहे हो या तो आप उसको फिर पहनो बट रिपीट करने में भी लोगों को प्रॉब्लम है hmm. कि नहीं ये तो पिछली बार पहना था इफ समथिंग दैट आई रिपीट अगैन एंड अगेन आई हैव सीन पीपल टेलिंग मी अरे ये तो तुमने तब भी पहना था ना अरे ये तो तुमने ये बहुत <laughs> बार पहन लिया अभी इंस्टाग्राम पर बहुत बार देख लिया अपना कुछ नया करो आई हैव हर्ड दिस पर्सनली एंड देन वी टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस तो वो बदलने नहीं वाला है बिकॉज एज अन बीन इवन यू लाइक टू यू नो ड्रेस अप डू नाइसली सो आई गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेयर यू लर्न द बेसिक कि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है आपका कंफर्ट क्या है आप वो देखो जो बहुत जरूरी है आउटफिट्स क्लोदिंग एंड नॉल इट्स नॉट दैट कि आप क्या पहन रहे हो आप कैसे पहन रहे हो वो बहुत मैटर करता है आप एक ही चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट साड़ी को ड्रेप कैसे करते हो या आप अगर कोई बोलता है ना कि आई लाइक लॉर्ड ऑफ विमेन आई हैव मेट इन माई लाइफ एंड दे वुड से कि यार यू you नो know, मुझे स्लीवलेस नहीं पहनना मेरी आर्म्स बहुत मोटी हैं या बड़ी हैं या भरी हुई हैं मैंने कहा कवर करने से चली जाएगी इट इज़ योर थाट प्रोसेस उससे आप ना किसी की सोच से नहीं लड़ सकते hmm. यह चीज मैं अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर चुकी हूँ तो आपकी सोच आपको मुबारक मेरी सोच मेरे यू नीड हेल्प आम देयर एंड आई डोंट टू फोर्स इट ऑन यू क्योंकि कई बार क्या होता है आप जब कुछ नया करते हो ना आप एक्साइटेड होते हो एंड यू वॉन्ट द अदर पर्सन ऑल्सो टू डू द सेम थिंग बट द आइडिया इज यू आर हेल्पिंग दैम बाई गिविंग ऑप्शन एंड लेट दैम चूज आई एम नॉट टेलिंग पीपल कि नहीं आपको यही पहनना है नहीं आपको मुझे पता है क्या अच्छा है बट आपका कम्फर्ट नहीं है वो इफ आई कैन वेर अ बिकनी डेट यू माइट हैव अज जीरो बॉडी बट माइट नॉट है कॉन्फिडेंस टू कैरी इट सो वो जब तक आप कम्फर्ट नहीं लाओगे तब तक वो कॉन्फिडेंस इज समथिंग दैट यू नो वे यू हैव दिस इनर वॉइज इन देड हु सेज इट आई दे यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट सो यू ट्यून इट कि आपको किसकी सुननी है मैं तो आई डू वाली पे हूं कि भाई करके देखते हैं योगा दिखा जाएगा आई ऑलवेज टुक माई चांसेस इन लाइफ सम गुड सम बैड सम प्रेडी अगली बट देन दैट्स वॉट मेड मी द पर्सन आई हैम टूडे आई कैन नॉट फर्गेट दैट इफ आई वुड हैव बीन मैरिड कपल ऑफ यस हो गो आई वुड हैव है किड मे बी आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन और आई एम श्योर आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन But right now, where I am, what I am, I am thankful about it. I don't say that, oh, I wish. When you say I wish, which means that you're not respecting where you are right now. So work towards what you want. Like, I want this and I'm doing something about this. It's you <laughs> who stands in between. <laughs> wow. So I think I've asked uh, almost everything that I wanted to as uh, last closing thoughts you want to say anything that you want how was your experience of the podcast and anything else that you want to say i am thankful i am really thankful and this will always be close to my heart because it's the first podcast it's my first podcast and it gave me hope that anything is possible it gave me hope never stop taking chances <laughs> never ever stop taking chances never ever stop from going out and about of your comfort zone and for putting yourself out there Great. so it, it 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 will always be you know uh, very close to my heart so this is something that I am going to take to my grave <laughs> 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 out of the many things what I'll distinctly always remember in this podcast is your uh, wide smile you know you should keep smiling the way you are because you know there are you know people you can tell they are smiling in a controlled manner mm -hmm. and they are then there are people like you who like smile openly I am, i'm telling you yeah. what i'm out and about yeah that's why uh, when somebody calls me like you know a lady ranveer singh i'm like okay i mean i always i don't like being compared to anybody but why thought us said level hearty catch a we sick now? Energy your vibe. And when people say that, you know, uh, I very recently, three, four years ago, I met a lady for a work appointment and when she came, she was really low. A lot of things happened. We have a conversation for an hour or two and then she left with that. पिक स् एंड लाइक निधि आई हैम ग्लैड वी मेट फॉर वट एवर रीजन फॉर वट एवर दिस आई वुड लाइक टू बी एसोसिएटेड विद यू लॉन्ग लाइफ सो दैट स्पॉट यू नो जब आप किसी की नज़रें देखते हो ना कि आप लाइक वन आई वर्क विथ समबडी ऑल्सो मैं लोगों की नज़रें देखती हूँ ये जिसने भी मुझे सिखाया है ना बहुत ही वाकिफ चीज़ सिखाई है बहुत ही प्यारी चीज़ सिखाई है बिकॉज आँखें झूठ नहीं बोलती ये हमने सुना है लाइक आई सेट ना नॉलेज नाउ आई हैव दिस सुपर पावर आई हैव अप्लाइड दैट नॉलेज आई लुक इन टू पीपल्स आई आई सी दैट वेदर यू नो अगर काम अच्छा हुआ है ना मुझे कॉन्टेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती वो उनकी शक्ल पर दिख जाता है कि नहीं ये जो अच्छा ना अच्छा हो लाइक देखो मैंने कहा नहीं आई सी डॉन्ट योर फेस दैट द वैल्यू आई सी एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप जब किसी चीज पे बिलीव करते हो और आप वो करते हो तो वो आपकी शक्ल पे आ जाता है एंड आई सी दैट यू नो आप बोलते हो ये कैमरा ये तो कुछ नहीं है माई स्माइलिंग सो आई हैव टू स्माइल ऑल द टाइम क्योंकि सबसे बड़ा कैमरा वहां पे <laughs> उससे कुछ नहीं सोचता वो बिग बॉस का भी होता ना कि हाँ कभी कभी वो कंफर्ट और कन्वीनियंस ही होता है बट माय यूनिवर्स और माई हु

Anything which is not giving me a good vibe or which makes me feel uncomfortable, I walk out of there. And that's my personal choice, and I have that power in me. I have that within me that I can take that decision and make that choice. So, why not use it? <laughs> thank you so much i it was a i for feel me. privileged yeah, no, no, no of course because these are the kind of journeys and stories we like to tap in and i am always interested in you know these kind of journeys where there's something to learn even for me from your journey i am like this okay, okay this is if like this also with this body you can sit in front of camera why not yeah of course. so i say that you your body never stop you you stop your body or yourself so just Go out and about and see where life takes you. <laughs> <Great>. <laughs> Shall we?